जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी विश है, वो सारी विश पूरी हो। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और डियर, हम बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि दी आप कैसे हो, तो हम बिल्कुल ठीक हैं। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख करके हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। हमने इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। जिनके बारे में आपने सोच करके ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनकी करेंट फीलिंग्स ये है कि आप उनके दिल में रहते हो। उन्हें ऐसा लगता है आप उनके दिल से कभी दूर नहीं जा सकते। कुछ लोगों के ये पर्सन हैं जिनका नो कांटेक्ट है और कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनसे अभी बात होती है। तो डियर, अगर आपके पर्सन से आपका नो कांटेक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी आप उनके दिल में आज भी रहते हो, किसी मजबूरी की वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हों लेकिन आपको बताया ना हो कि उनकी क्या मजबूरी थी और आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। तो डियर, कुछ लोगों के पर्सन मजबूरी की वजह से आपसे दूर हो गए हैं लेकिन आप आज भी उनके दिल में रहते हो। आपको अपने दिल से दूर नहीं कर पाए हैं, आज भी वो आपको याद करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। आप आज भी उनके दिल में रहते हो। अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके बीच नो कांटेक्ट नहीं है, तो भी उनकी ये फीलिंग्स है कि आप उनके दिल में रहते हो। आप उनके दिल के राजा हो या रानी हो, आप उनके दिल में रहते हो। उनकी ये फीलिंग्स है आपके लिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप वो करिए जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। परिस्थिति कोई भी हो, आपसे हमारी रेटिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए ये हैं, आप उनकी पूरी दुनिया हो। आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा केयर करने वाला उन्हें इस पूरी दुनिया में कभी कोई नहीं मिला। आपको पा करके उन्हें ऐसा लगता है कि आप में ही उनकी पूरी दुनिया है। आप जिस तरह से उन्हें बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, बिना मतलब से आप उनसे जुड़े हैं, इस तरह से कभी उनसे कोई नहीं जुड़ा। आप में वो अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ ना हो, अगर आप उनके साथ हैं तो उनके साथ पूरी दुनिया है। आपके पर्सन कभी कभी आपका कॉल नहीं अटेंड करते होंगे, आपसे बात भी नहीं करते होंगे, आप पे गुस्सा भी कर देते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार से ही बात करते होंगे। तो उन्हें इस बात का एहसास है कि जितना आप उन्हें समझते हो, जितना आप उनसे प्यार करते हो, उतना उनसे कभी कोई प्यार नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं आपको डांट देता हूँ या मैं आपको डांट देती हूँ, आपका कॉल भी नहीं उठाती, आपसे बात भी नहीं करती या आपसे बात नहीं करता, फिर भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो। आपके प्यार में कभी कोई बदलाव नहीं आता है।
तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जितना समझने वाला उन्हें कोई नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। और डियर, आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे ऐसे जुड़े हैं कि आपको लगता है सिर्फ वो साथ हो आपके तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप वो करिए जो आपका दिल कहता है। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। आपने जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आप मेरी जान हो, एक बार फिर मिल जाते। हो सकता है कि आपका उनके साथ नो कांटेक्ट हो, क्योंकि इसमें ये भी एनर्जी है कि आपका स्ट्रॉन्ग नो कांटेक्ट है, आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं। और उनकी करंट एनर्जी आपके लिए ये है कि आप एक बार उन्हें फिर से मिल जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। वो पल, वो वक्त, वो दिन फिर से वापस आ जाए। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप मेरी जान हो, एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी लग रही है। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट में हो, आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम ना बता रहे हो, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी है। कुछ लोगों ने ये ऑप्शन अपने क्रश के लिए चूज़ किया है। तो डियर, आपके क्रश की ये एनर्जी है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनको पूरी लाइफ के लिए मिल जाएं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे बहुत जल्द अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। आपके क्रश की ये करेंट एनर्जी है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप जो चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं अगर आपका आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है। तो डियर, आप मेडिटेशन करके, मैनिफेस्ट करके, लव वाइब्रेशन भेज के अपने पर्सन को हील कर सकते हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो आपके पास वापस आ पाएंगे। तो डियर, आप अपने पर्सन को हील करिए मेडिटेशन करके, और हमेशा अपने पर्सन को लेकर पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप वो करिए जो आपका दिल कहता है, और हमेशा पॉजिटिव जरूर से ज़रूर रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए। आपसे हमारी ये रेटिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि आपकी यादों से वो घिरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी यादें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। उन्हें ऐसा फील होता है, हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन के बीच नो कांटेक्ट हो, या आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका नो कांटेक्ट हो। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो,
तो डियर, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं, इस तरह से आप भी काश हमारे पास होते, हमारे साथ होते। तो डियर, जिनके लिए आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए ये हैं कि आपकी यादों में वो दिन रात खोए रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके फ़ोटो देखते हैं, आपकी फ़ोटो देख करके बहुत रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में रहते हैं, आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी बातों को मिस करते हैं, कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपके जितना उनसे कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें अब आपके प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास है। अगर उनने आपको पहले समझा नहीं था, आपकी कद्र नहीं की थी, किसी वजह से आपको चीट किया था, आपको छोड़ दिया था, तो डियर अब उनको आपके प्यार का, आपका बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से पाना चाहते हैं, आपको बहुत याद करके रोते भी हैं। और डियर, आप भी अपने पर्सन को बहुत याद करते हैं, आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। अगर डियर आपके पर्सन ने किसी वजह से आपको छोड़ दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, और उनकी मैरिड नहीं हुई है, वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो डियर आप उन्हें मैनिफेस्ट करिए, उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या अपने कहते नहीं है कि कुछ गलतियों की वजह से, वो आपके पास आने से डर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आए, तो आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए और उन्हें मैनिफेस्ट करिए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप अपना ध्यान रखिए, और डियर प्लीज़ आप सैड बिल्कुल मत होइए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप वो करिए जो आपका दिल कहता है। आपसे हमारी ये रीडिंग कितनी मैच हुई है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 5, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। आपने जिनके बारे में सोच करके ये ऑप्शन चूज़ किया है, आप जिनके बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं? वो आपके लिए ये सोचते हैं, आप ईश्वर का दिया हुआ मेरी ज़िंदगी में एक अनमोल तोहफा हो, मैं तुम्हारा हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए, और मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता या कभी खोना नहीं चाहती। वो आपको एक अनमोल तोहफा मानते हैं, एक एंजल्स मानते हैं, प्योर सोल समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने आप अच्छे हो, जितने सच्चे हो, उतना कोई नहीं है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक एंजल्स की तरह देखते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। अगर आप अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डियर आपके क्रश आपको अपनी ज़िंदगी में एक एंजल्स मानते हैं, कि जैसे आप ईश्वर का दिया हुआ मेरी ज़िंदगी में एक अनमोल तोहफा हो। वो आपको बहुत सच्चा मानते हैं, बहुत प्योर समझते हैं। तो डियर, आपके पार्टनर या आपकी क्रश आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही याद करते रहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आपको देख करके, आपसे बात करके उन्हें पॉजिटिव फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव मानते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए, आप वो करिए जो आपका दिल कहता है।
आपसे हमारी ये रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।